नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, पहाड़ियों पर धूप खिल गई है। और हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सोलन की बात करें तो सोलन में तो सितंबर के आखिर के आखिर से मौसम इसी तरह का बना हुआ है। और यही वजह है कि सोलन हिमाचल प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां पर अक्टूबर के महीने में बारिश की एक भी बूंद अभी तक नहीं गिरी है। और इसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में अक्टूबर के महीने में कम से कम दिन के समय में तो गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। हालांकि सुबह सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं सोलन की फिजाओं को इस वक्त ठंडा कर रही है, मौसम को ठंडा बनाया हुआ है। लेकिन दिन के समय प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। स्थिति यह हो गई है कि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक प्रदेश में हो चुका है। विशेषकर पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इसमें शिमला भी है शामिल है। शिमला के तापमान में भी सामान्य जो शिमला के यदि हम तापमान की बात करें तो उसमें भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का अधिकतम तापमान चला हुआ है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाहे अधिकतम तापमान हो या फिर नॉर्मल तापमान हो, दोनों में बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है। लेकिन सुबह शाम के वक्त प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है, बारिश की फिलहाल संभावना कोई नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग का जिस तरह का पिछले दिनों पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऊंचाई वाले जिले प्रदेश के हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है, तो वो अनुमान भी गलत साबित हुआ है। और लेकिन अभी फिलहाल 28 अक्टूबर तक तो बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और हिमाचल प्रदेश में इसी तरह ही सूखी ठंड पड़ती रहेगी। और तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं, सोलन की इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सोलन में जिस तरह का मौसम चला हुआ है और उसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें आप सोलन की, लोग मॉर्निंग वॉक का भी इस वक्त आनंद ले रहे हैं। और क्योंकि मौसम जिस तरह का बना हुआ है, मौसम आजकल क्योंकि शुष्क मौसम है, सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। यदि हम मौसम की बात करें तो तापमान में पिछले 24 घंटे में काफ़ी बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। यदि हम तापमान की बात करें और अधिकतम तापमान प्रदेश का 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अधिकतम तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और किन शहरों में क्या तापमान रहा है और उसकी भी हम आपको जानकारी एक एक करके देंगे, क्योंकि विशेषकर प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे आजकल के दिनों में ठंड के लिए जाना जाता था, क्योंकि शिमला में अक्टूबर के महीने में ही ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब शिमला का तापमान भी पहुंच गया है। और पिछले दिनों 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का तापमान को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन कल शिमला के तापमान में ज़बरदस्त उछाल, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, पहाड़ों में आजकल की धूप काफ़ी तेज़ होती है। और शिमला के तापमान की बात करें तो 5.2 डिग्री सेल्सियस का उछाल, 5.2 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अधिक शिमला का तापमान इस वक्त चला हुआ 24.8 है। सुंदरनगर का तापमान एक बार फिर 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, 33.2 है, 5.6 डिग्री सेल्सियस का इसमें उछाल है। भुंतर का तापमान 30.5 है और 4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अधिक है। कल्पा का तापमान 20.4 है, 3.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नॉर्मल से अधिक है। धर्मशाला का 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना से ज़्यादा गर्मी इस वक्त सुंदरनगर में पड़ रही है। नाहन की बात करें तो 31.2 डिग्री सेल्सियस नाहन का तापमान पहुँच गया है जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस का उसमें उछाल है। नाहन के तापमान में, धर्मशाला के तापमान में और सुंदरनगर के तापमान
तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का उछाल देखने को मिला है और केलांग का तापमान 16.5 है। हालांकि केलांग के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है, लेकिन फिर भी यह तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन के तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का उछाल हुआ और 31 डिग्री तक सोलन का तापमान पिछले कल रिकॉर्ड किया गया था और सामान्य से जो 5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। कांगड़ा का तापमान की बात करें तो 32.8 है, 2.2 डिग्री सेल्सियस का इसमें उछाल हुआ, 5.7 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। मनाली का तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मंडी का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है सामान्य से और 29.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर का तापमान सबसे अधिक 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 32.7 है जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 33.3 है जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुबरहट्टी 28 है, कुफरी 18.5 है, नारकंडा 16.6, भरमौर 23.8, रिकांगपियो 23.6, धौलाकुआ 33, बरठीन 32.6, कसौली 27.4। कसौली का तापमान में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, 27.4 डिग्री सेल्सियस तक कसौली का तापमान भी पहुंच गया है। नेरी का तापमान 33.3 है, सेंज का 27.8 है और बजौरा का 31.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर का आज आप तस्वीरें देखें कि सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अक्टूबर का महीने का अब अंतिम सप्ताह ही है और इस वक्त अक्टूबर का महीना भी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है और तापमान जबरदस्त उछाल हिमाचल प्रदेश में। अक्टूबर के महीने में भी गर्मी का एहसास इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, विशेषकर यदि हम दिन के समय की बात करें, क्योंकि कई शहरों का तापमान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। सामान्य से अधिक तापमान इस वक्त हिमाचल प्रदेश का 5.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सामान्य से अधिक इस वक्त हिमाचल प्रदेश का तापमान बना हुआ है और न्यूनतम तापमान में जरूर थोड़ी गिरावट अब देखने को मिली है। कुछ शहर हैं ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, लेकिन शिमला का तापमान अभी भी नॉर्मल से अधिक है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें 13.5 है जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है और भुंतर का 9.8 है जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 4.4 है जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 14.9 है जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और इसके अलावा नाहन का धर्मशाला का तापमान 14.9 है जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 1.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है और 13.4 है। नाहन का 17.1 है, केलांग का 1.4 है और केलांग के तापमान में अब गिरावट देखने को मिली है। 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का कम हुआ है और केलांग में जबरदस्त ठंड शाम के रात के समय देखने को मिली है, लेकिन दिन के समय तापमान जो है नॉर्मल से अधिक इस वक्त चला हुआ है। पानपुर का 11.5 है, सोलन का 10.5 है जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 12.4 है, मंडी का 13.1 है, सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 15.1 है जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का भी सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 15.1 है। चंबा का 12 है और डलहौजी 15.3 है, कुफरी 11 है। कुकुमसेरी में तो ठंड है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नारकंडा का 9.3 है, भरमौर का 10.8 है, रिकांगपियो का 7.6 है, सेवबाग का 7.5 है और धौलाकुआ 15.2 है। बरठी 13.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कसौली का 16.3 है, पांवटा साहिब का 19 है, सराहन का 9.5 है, देरा गोपीपुर का 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ताबो का -1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ताबो में इस वक्त जो तापमान है वो माइनस में चला हुआ है। नेरी का 18.3 है और सेंज का 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 15 नंबर के बाद रेनू कुरियन जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, उनका बड़ोग से उनका स्वागत है। उमेश वर्मा जी बता रहे हैं 15 नंबर के बाद बदल सकता है मौसम और पोल्ट्री किंग हिमाचल जी सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंटी राणा जी जुड़े, अनिल ब्राठू जी, बॉक्सर अमन जी, राम गोपाल जी और अनिल शिमला से अनिल कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मंजीत कश्यप जी हमारे साथ, सेलग में मौसम साफ है
और गगन शर्मा जी जुड़ गए हैं, राजीव शर्मा जी श्री चिंतपूर्णी से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। प्रवेश शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें। मौसम से संबंधित जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है, सूखे की स्थिति पैदा हो चुकी है। सामान्य से करीब 97% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। 6 जिलों में हिमाचल प्रदेश में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, और जिन क्षेत्रों में भी बारिश हुआ, जिन 6 अन्य जिलों में भी बारिश हुई है, तो उसमें ऊना जिला में केवल 8 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। बाकी जिलों में तो बहुत कम, ना के बराबर ही बारिश अक्टूबर के महीने में हुई है। तो कुल सूखे जो कुल मिलाकर जो स्थितियां हिमाचल प्रदेश की बनी है, तो सूखे के हालात प्रदेश में बन गए हैं। तो उसकी वजह से किसान भी परेशान है, बागवान परेशान है, क्योंकि फसलें खेतों में अब खराब हो रही है, क्योंकि बारिश की तो ज़रूरत है। इसके अलावा सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही, तो उससे बीमारियों के जो वायरल के मामले हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, और जिस तरह के आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं अनिल सिंह जी, तो सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं जरूर इस वक्त चली हुई, जिससे थोड़ा मौसम सुबह के वक्त ठंड वाला हुआ है। लेकिन तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है, और अब सोलन का तापमान भी एक बार फिर 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। जबकि 2 दिन पूर्व सोलन का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो करीब 5 डिग्री सेल्सियस की उछाल सोलन के तापमान में देखने को मिला है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने के आसार तो फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे। बारिश की फिलहाल किसी प्रकार की अभी संभावना नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो मौसम विभाग की माने तो अभी हिमाचल प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान तो नहीं है, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज धूप हिमाचल प्रदेश में खिल रही है, तो उसका असर अब तापमान में भी देखने को मिला है। अधिकतम तापमान एक बार फिर 5 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है, और प्रदेश के कई शहरों में, चाहे हम ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें, निचले क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो हर जगह पर जो तापमान है वो सामान्य से अधिक है। और इसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 15 शहरों का जो तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, उसमें सोलन भी शामिल है, उसमें ऊना तो है ही है, लेकिन सुंदरनगर जहां का तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, तो वहां का तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अब दिन के समय जो पहाड़ है वो गर्म हो रहे हैं, गर्मी का एहसास हो रहा है। रात के समय जरूर प्रदेश में के कई शहरों का जो तापमान है वो सामान्य के आसपास पहुँच गया है, तो वहाँ पर अब थोड़ा ठंड का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन दिन में तापमान में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो महेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी, सोलन में दिन के समय गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, क्योंकि आज सर्दियों में वैसे भी धूप तेज़ होती है, और जो आजकल के दिनों में जो धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ है। काफ़ी देर तक अब लोग धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि पीछे जैसे याद ये हम 3-4 दिन पूर्व की बात करें, तो तापमान में काफ़ी गिरावट, चाहे सोलन का था या फिर अन्य शहरों का तापमान में देखने को मिल रहा था कि तापमान लगातार गिर रहा था, और अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास पहुंच गया था। लेकिन पिछले कल तापमान में ज़बरदस्त उछाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, और न्यूनतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर इस वक्त चले हुए। शिमला का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है, और अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। तो सुंदर नेगी जी भी जुड़े हैं, दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक मौसम से संबंधित जानकारी पहुँच सके, क्योंकि आपके माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है वही हमने आगे साझा की है। बाकी प्रदेश में क्योंकि सूखे की स्थिति बनी हुई है, अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ का तापमान बढ़ रहा है, उस प्रकार की जानकारी भी अन्य दर्शकों तक पहुँचे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, क्योंकि मौसम के बुलेटिन को हम तहत डेली के जो हमारा समय रहता है उससे काफ़ी जल्दी आज हमने प्रसारित किया है, उसकी वजह से भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। और
दीपक ठाकुर जी, अपडेट इस तरह की है कि बारिश की तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हिमाचल प्रदेश के हो गए हैं, तो कुल मिलाकर पहाड़ दिन के समय तप रहे हैं और रात को ठंडे हो रहे हैं, और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई, आने वाले दिनों में भी इस तरह की स्थिति रहेगी। किसान बागवान सभी परेशान हैं और आम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि सूखी ठंड की वजह से बीमारियों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वायरल फैला हुआ है और उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राणा मनोज चौहान जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत, दीपक ठाकुर जी का भी स्वागत, तो सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े और देखते रहें दिन भर की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी, और बहुत सारे आज अन्य अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे कि दिन के समय के अलग अलग प्रदेश के क्षेत्रों से आपको जो अभी खबरें होंगी उसकी जानकारी हम देंगे। मुकेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि दिल्ली में खांसी की बीमारी फैली है, और गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से ही प्रार्थना।